नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 जून गुरुवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सांसद मेनका गांधी द्वारा एक पशु चिकित्सक के साथ अभद्र भाषा में बात करते हुए एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इसके चलते अब देश भर के वेटनरी डॉक्टर्स में इसको लेकर खासा आक्रोश है। प्रदेश में भी बुधवार को वेटनरी डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही इस घटना को लेकर काले दिवस के रूप में मनाया। इंडियन वेटनरी एसोसिएशन के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में पशु चिकित्सकों ने मेनका गांधी से माफी मांगने की मांग की है। राजस्थान में गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे 13 निर्दलीय विधायकों की बैठक के बाद जो संदेश निकल कर आया है वह बिल्कुल साफ है। बैठक में शामिल 13 निर्दलीय विधायकों ने स्पष्ट कर दिया है कि वह हर हाल में हर परिस्थिति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। इस मामले में किसी भी प्रकार की दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जयपुर शहर की व्यस्ततम 200 फीट बाईपास और गुर्जर की थड़ी चौराहे भी अब सीसीटीवी की जद में आ गए हैं। इन कैमरों के जरिए ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखकर कार्यवाही की जा सकेगी। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने निजी संस्थान के सहयोग से 200 फीट बाईपास और गुर्जर की थड़ी चौराहे पर अत्याधुनिक 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। शहर के ट्रैफिक कंट्रोल रूम यादगार में एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश और पूर्व डीजीपी कपिल गर्ग ने सीसीटीवी कैमरों का वर्चुअल उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने उस बयान से किनारा कर लिया है जिसमें यह कहा था कि यूपी में सीएम का चेहरा कौन होगा यह दिल्ली ही तय करेगा। इस बयान के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन सीएम योगी मंगलवार को केशव के घर पहुंचे जिसके बाद उनके सुर बदल गए हैं। मौर्य ने कहा कि वह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। यदि इस बीच में कोई दीवार आई तो उसे गिरा देंगे। देश में बुधवार को 54,286 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 69,130 लोगों ने वायरस को मात दी। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 16,183 की कमी हुई है। निर्दलीय विधायक महादेव सिंह खंडेला ने हाल ही में बयान दिया था कि राजस्थान में गहलोत ही कांग्रेस है। गत दिवस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल को लेकर विधायक संयम लोढ़ा ने कहा था कि राजस्थान में गहलोत ही कांग्रेस है, इसी में किसी को क्या शक है। हालांकि खंडेला ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मुझसे पूछा गया था कि आप कांग्रेस के साथ हो या गहलोत के साथ, तो मैंने जवाब में कहा था कि गहलोत कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री हैं। विश्व में सिकल सेल डिजीजेस के रोगियों की संख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। देश में SCD की व्यापकता उल्लेखनीय ढंग से विविधतापूर्ण है और यह मुख्यतः जनजातीय समूहों में पाया जाता है। यह रोग सबसे ज्यादा मध्य भारत पर हावी है, जिसे सिकल बेल्ट भी कहा जाता है। यह गुजरात से लेकर ओडिशा तक फैला है और आकलन के अनुसार छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में इसकी सबसे ज्यादा व्यापकता है। SMS मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर और पीडियाट्रिक हेमाटोलॉजी एंकोलॉजी डिवीजन के हेड डॉक्टर कपिल गर्ग ने कहा कि अभी जयपुर या राजस्थान में सिकल सेल डिजीजेस की व्यापकता पर कोई अध्ययन नहीं है। हालांकि यह रोग राजस्थान के सिरोही, पाली, उदयपुर और डूंगरपुर के जनजातीय समुदायों के बीच ज्यादा आम है। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर सुरक्षा सखी योजना का विद्याधर नगर थाने में DCP परिसर देशमुख ने शुभारंभ किया। एडिशनल DCP धर्मेंद्र सागर ने बताया कि शुभारंभ पर आयोजित मीटिंग में सुरक्षा सखी सदस्यों को महिला सुरक्षा, महिला संबंधी कानून और महिला सुरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। महिला और बच्चियों से संबंधित होने वाले अपराधों की तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि अपराधियों पर समय रहते नकेल कसी जा सके। जयपुर उत्तर के सभी थानों में सुरक्षा सखी विंग बनाई गई है जो महिलाओं की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करेंगी। राजस्थान में 108 ने कोरोना काल में लोगों की खूब जिंदगियां बचाई है। जीवन की रक्षा करने वाले ये वाहन बकायदा समय पर बीमार लोगों तक पहुंचा, वही दुर्घटना में घायल हुए लोगों की समय पर जान बचाई। खास बात यह है कि कोरोना में ये पायलट यानी 108 के चालक बिना घबराए लोगों को हॉस्पिटल लाकर भर्ती करवाते रहे। जिन 66,540 लोगों की जान बचाई, इनमें कोरोना के तो बेहद कम करीब 5,598 मरीज थे, वहीं अन्य मरीजों की संख्या इससे करीब 10 गुना से भी अधिक यानी 60,942 थी। बीकानेर शिक्षा विभाग ने कोरोना काल में सभी विद्यार्थियों के लिए घर पर रहकर कक्षा शिक्षण की तर्ज पर अध्ययन करने की महती योजना को दूरदर्शन के साथ मिलकर शुरू किया है। अगर इस साल भी कोरोना संकट बरकरार रहता है तो भी सभी विद्यार्थी घर पर रहकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं।
कोरोना काल ने जहां ऑनलाइन शिक्षण के रास्ते खोले हैं, तो जिन विद्यार्थियों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है उनके लिए विभाग ने शिक्षा दर्शन के माध्यम से पढ़ाई जारी रखने का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके लिए विभाग ने न केवल 10-10 चैनलों पर शिक्षा दर्शन कार्यक्रम को प्रसारित करने के इंतजाम किए हैं, बल्कि हर कक्षा के लिए प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा भी निर्धारित कर दी है। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और कुल्लू एसपी के बीच जमकर बवाल हुआ। इन दौरान दोनों अफसरों के बीच लात घुसे चले। बताया जा रहा है कि जब गडकरी और मुख्यमंत्री का काफिला मनाली की ओर निकला तो भुंतर एयरपोर्ट के बाहर फोरलेन प्रभावित किसानों ने उन्हें रोक दिया। इसी बात को लेकर सीएम की सिक्योरिटी ऑफिसर और कुल्लू एसपी के बीच झड़प हो गई। बच्चों की वैक्सीन के मुद्दे पर बुधवार को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जरूरी बात कही है। उन्होंने कहा है कि यदि महामारी को पूरी तरह रोकना है तो बच्चों का वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। हमें जल्द से जल्द बच्चों के लिए वैक्सीन बनानी होगी ताकि उनका वैक्सीनेशन किया जा सके। दूसरे देशों से वैक्सीन आयात करने पर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अमेरिकी कंपनी फाइजर से कई मुद्दों पर बातचीत चल रही है। सरकार और फाइजर के बीच जल्द ही वैक्सीन को लेकर समझौता हो सकता है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बुधवार को जयपुर में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से मुलाकात कर बाड़मेर में चिकित्सा सुविधा विस्तार, चिकित्सा संसाधनों के क्रमोन्नत एवं नए उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राजस्व मंत्री चौधरी ने बाड़मेर में कोविड-19 की विकट परिस्थिति प्रबंधन, ILI सर्वे एवं ग्राम स्तर पर निगरानी समितियों के माध्यम से किए जा रहे कार्य के अनुभव भी साझा किए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षाओं के रिजल्ट जारी करने को लेकर समय सीमा तय कर दी गई है। राजस्थान बोर्ड कक्षाओं के रिजल्ट का फॉर्मूला भी जारी कर दिया गया है। रिजल्ट के फॉर्मूले को तैयार करने वाली कमेटी की रिपोर्ट को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अनुमति दे दी। फॉर्मूले के अनुसार पिछले 2 वर्ष की परीक्षाओं के परिणाम को ही रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। 10वीं का रिजल्ट 8वीं और 9वीं और 10वीं की कक्षाओं में आयोजित किए गए टेस्ट और परीक्षाओं में प्राप्त अंकों पर तैयार किया जाएगा। वहीं 12वीं का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं में आयोजित हुई परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर जारी किया जाएगा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बाहरी व्यक्ति कहने वाले एक निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनके समर्थक विधायक इंद्राज मीणा ने बुधवार को कहा कि पायलट बाहरी नहीं बल्कि एक भारी नेता है। मीणा के बयान पर विपक्षी भाजपा ने भी अशोक गहलोत गुट पर हमला करते हुए कहा कि यदि पायलट बाहरी हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या हैं, जिनका जन्म भारत में ही नहीं हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।